हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे एक नए वीडियो में। तो आज के इस नए वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जो अपने ग्राम प्रधान का पोस्टर कैसे बना सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन के पिक्सल लैब एप्लीकेशन से। तो यहां पे अगर मैं अपने पिक्सल की इसमें आपको दिखाऊं तो यहां पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह से मैंने बना हुआ है। यहां पे आपको क्या क्या एडिटिंग करना है, कैसे आपको जो वहाँ पर अपना फोटो लगाकर अपना नाम लिखकर बनाना है, वो सारा चीज़ मैं आपको जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो पोस्टर है, जो बैनर है, इसका पी फाइल डाउनलोड आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें जो पासवर्ड लगा हुआ है पासवर्ड आपको वीडियो में ही तीन जगह पर देखने के लिए मिलेगा। तो आप जो वीडियो के साथ बने रहो, वीडियो को देखते रहो, कैसे आपको पोस्टर बनाना है, कैसे क्या करना है, सारा चीज़ मैं आपको जो इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे करना है, आपको जो मेरे डिस्क्रिप्शन में, जैसे आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो यहाँ मैं अपने डिस्क्रिप्शन में जाने के बजाय यहाँ मैं अपने व्हाट्सएप में चले जाता हूँ। यहाँ पे देखोगे दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, तो आपको ऐसा लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा। तो आपको जो उस लिंक पर क्लिक करना है, जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करोगे यहाँ पे आपका जो लिंक है आपके ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। लिंक को ब्राउजर में ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देखो ग्राम प्रधान टू करके आपको जो फाइल का नाम आपको यहाँ पे दिखाई देगा। साइड में आपको जो छोटा सा एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको जो भी फाइल दिया रहेगा वो फाइल आपका यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको जो लिंक पे क्लिक करके जो भी फाइल दिया गया यहाँ पे आपको डाउनलोड कर लेना है। फाइल को डाउनलोड करने के बाद दोस्तों अभी आपने जो फाइल को डाउनलोड किया रहेगा उसको आपको जो पासवर्ड डाल के स्टार्ट करना है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि आपको जो वीडियो में तीन जगह पासवर्ड, तो आपको तीनों पासवर्ड यहाँ पे टाइप करके लिख के आपको जो अपने फाइल को स्टार्ट करना है। चलिए कैसे करते हैं, चलिए भी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे उसको करने के लिए यहाँ पे आपको अपने फाइल मैनेजर एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप अपने फाइल मैनेजर एप्लीकेशन में आ जाओगे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखोगे फोन स्टोरेज का ऑप्शन, आपको वहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते हैं आप यहाँ पे देखोगे आपको फोन स्टोरेज में जितने भी सारे फोल्डर रहेंगे वो सारे फोल्डर आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो अभी आपने जो फाइल को डाउनलोड किया रहेगा वो फाइल डाउनलोड होकर जिस फोल्डर में ऐड हुआ है यहाँ पे आपको उस फोल्डर में जाना। तो यहाँ मेरा जो फाइल डाउनलोड होकर डाउनलोड के फोल्डर में ऐड हुआ, तो यहाँ मेरा डाउनलोड के फोल्डर में, डाउनलोड के फोल्डर में आ चुका हूँ। और यहाँ पे आप देखो ग्राम प्रधान डॉट जेपी नाम से मेरा फाइल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे आपको ऊपर दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देखो मेरा जो फाइल अभी डाउनलोड नहीं हुआ, अभी जो मेरा फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेते हैं जब तक मेरा यहाँ पे फाइल डाउनलोड हो रहा है। तो मैं एक्स्ट्रा फाइल यहाँ पे जो भी दिखाई दे रहा है मुझे, तब तक उसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ यहाँ से। डिलीट करने के बाद अभी आप यहाँ पे देखो मेरा जो फाइल अभी देखते हैं, चलिए डाउनलोड हुआ कि नहीं। यहाँ पे देखते हो लगभग मेरा जो डाउनलोड होने के वाला ही है, तो थोड़ा सा बाकी है, चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यहाँ। तो दोस्तों अगर अभी मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। अभी आपको यहाँ पे फाइल को डाउनलोड करने के बाद अभी आपको अपने फाइल को जो स्टोर करना है, उसके लिए आपको जो इस फाइल पर क्लिक करना है। जैसा आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखो आपको जो फाइल कुछ इस तरह से आपको दिखाएगा। नीचे आपको स्टोर ऑल करके ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको पहला जो ऑप्शन लिखा गया है स्टोर टू डाउनलोड करके, यानी कि आपको जो फाइल है आप डाउनलोड के फोल्डर में स्टोर करना चाहते हो, यहाँ पे आप पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। और अगर आप अपने इस फोल्डर को, यानी कि अपने जिस फाइल को किसी और फोल्डर में स्टोर करना चाहते हो, उसके लिए आप यहाँ पे जो है सिलेक्ट फोल्डर के ऑप्शन में क्लिक करोगे। तो यहाँ पे अभी के लिए मुझे ये जो फाइल है इसी फोल्डर में स्टोर करना है, तो उसके लिए मैं पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे तो मुझे पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आपको जो वीडियो में तीन जगह पासवर्ड देखने के लिए मिलेगा, तो आपको यहाँ पे तीनों पासवर्ड टाइपिंग करके लिखना है। चलिए मैं यहाँ पे पासवर्ड को टाइपिंग करके लिख ले रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे आपको आगे क्या करना है आगे मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने पासवर्ड को टाइपिंग करके लिख लिया, लिखने के बाद आपको यहाँ पे ओके करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है स्टार्ट करके ऑप्शन पूछा जाएगा, तो आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ पे देख सकते हो स्टार्ट सक्सेसफुली करके मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी कि अभी जो मैंने फाइल को यहाँ पे स्टार्ट कर लिया हुआ है पासवर्ड डाल के। ऐसा आपको कुछ इस तरह फाइल को स्टार्ट कर लेना है। स्टार्ट करने के बाद दोस्तों अभी आपको यहाँ पे अपने पिक्सल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो यहाँ मैंने पिक्सल एप्लीकेशन ओपन किया, तो जैसे आप ओपन करोगे तो स्टार्टिंग में आपको जो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको जो फाइल जैसा आइकन है यहाँ पे देख सकते हो, इसको माई प्रोजेक्ट का ऑप्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको जो इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे देखो मैंने कई सारे पी फाइल को ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको अपने पी फाइल को कैसे ऐड करना है, कैसे क्या करना है, चलिए भी उसके बारे में बात कर लेते हैं। और यहाँ पे दोस्तों उससे पहले मुझे यहाँ पे कुछ लोग कमेंट करते हैं कि भाई जो मेरे पिक्सल एप्लीकेशन में जो माई प्रोजेक्ट का ऑप्शन है ये नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मुझे इस ऑप्शन पर आना होगा तो कैसे हम यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे आने के लिए एक और तरीका है। उसके लिए आपको इस थ्री डॉट का ऑप्शन क्लिक करके यहाँ पे आपको जो ओपन पी फाइल का ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते आप यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे देखोगे मैं उस ऑप्शन पे आ चुका हूँ, जैसे मैंने जो माई प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके गया था। तो आप यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाते हैं, आप दोनों ऑप्शन की मदद से भी यहाँ पे आ सकते हो, जैसे आपको जो भी अच्छा लगे। यहाँ पे आप देखोगे मैंने कई सारे पील फाइल को ऐड किया हुआ। तो चलिए भी बात करते हैं यहाँ पे आपको अपने पी फाइल को कैसे ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको साइड में डॉट पी लगे ऑप्शन है, आपको वहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते आप यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे देखोगे मैं डाउनलोड के फोल्डर में हूँ, नीचे आपको जो फोल्डर दिखाई दे रहा होगा, तो आपको जो फोल्डर पे क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो पील फाइल आपको दिखाई दे, तो यहाँ पे आपको जो पील फाइल है आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपने पील फाइल के बारे में कुछ ऑप्शन पूछेंगे। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन लिखा गया है ओपन ओनली करके, तो अगर आप अपने पील फाइल को पिक्सल एप्लीकेशन में ओपन करना चाहते हो तो यहाँ पे आप पहले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आपको इधर पे एक और ऑप्शन मिल जाता है जिस ऑप्शन का नाम ओपन एंड ऐड करके। तो अगर आप अपने पी एल फाइल को पिक्सल एप्लीकेशन में ऐड भी करना चाहते हो, साथ में ओपन भी करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप जो दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, जैसे सिलेक्ट करोगे यहाँ पे आपको जो पी एल फाइल आपके पिक्सल एप्लीकेशन में ओपन भी हो जाएगा,
और यहाँ पे जैसे आप माई प्रोजेक्ट के ऑप्शन क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे आपको जो पील फाइल यहाँ पे आपके पिक्सल लोकेशन में ऐड भी हो जाएगा। तो आपको कुछ इस तरीके से अपने जो पील फाइल को पिक्सल लोकेशन ओपन कर लेना और ऐड भी कर लेना है। और यहाँ पे अभी के लिए चलिए मैं इस पील फाइल को डिलीट कर दे रहा हूँ क्योंकि जो मेरे पास पहले से ही ऐड है। यहाँ मैं नीचे अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्राम प्रधान के नाम से मेरा जो पील फाइल पहले से ही ऐड है पिक्सल लोकेशन में। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे इसको ऐड नहीं कर रहा हूँ। और अभी चलिए बात करते हैं यहाँ पे आपको क्या क्या एडिटिंग करना है, कैसे आपको जो अपना यहाँ पे फोटो लगाकर बनाना है इस बैनर को। तो उसके लिए पहले तो यहाँ पे मैं अपने बैनर को जूम कर ले रहा हूँ ताकि यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे देखो मैंने सबका साथ सबका विकास करके लिखा हुआ ऊपर, और नीचे आप सभी ग्रामवासी को होली अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। नीचे लिखा हुआ मैंने ग्राम प्रधान पारा से प्रधान पद हेतु कर्मठ एवं ईमानदार प्रत्याशी। और यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो मैंने लिखा हुआ को अपना कीमती वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाए। नीचे लिखा हुआ मैंने वर्तमान निर्विरोध ग्राम प्रधान मोबाइल नंबर डाला हुआ है। उसके नीचे मैंने लिखा हुआ निवेदक समस्त ग्रामवासी व मित्रगढ़। और यहाँ पे आप साइड में देखो मैंने फोटो लगाया हुआ और फोटो में जो भी है उसका नाम भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए भी बात करते हैं यहाँ पे आपको क्या क्या एडिटिंग आना है, कैसे आपको बनाना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आप सभी ग्रामवासियों को होली एवं अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है होली एवं अम्बेडकर जयंती, तो आप यहाँ पे जो लिख सकते हो होली एवं रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, होली एवं रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं, ऐसा यानी कि आपके जो भी फेस्टिवल आप यहाँ पे डालना चाहते हो आप लिख सकते हो। लिखने के लिए आप इस पर डबल टैप करोगे और यहाँ पे आप आ जाओगे, यहाँ पे आपको जो भी लिखा है उसको आपको कट करना है। अपने कीबोर्ड को जो हिंदी में करना है कुछ इस तरीके से हिंदी में करने के बाद यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहते हो वो लिखने के बाद आपको डन करके ओके करोगे तो यहाँ पे आपका टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे देखो मैंने ग्राम प्रधान लिखा हो पारा से, तो यहाँ पे आपको जो पारा से लिखा हो मैंने आपको स्टेज को सिलेक्ट करके यहाँ पे आना है। और यहाँ पे जो पारा से लिखा गया है तो यहाँ पे आप उसको कट करना, और यहाँ पे आपका जो भी गाँव का नाम है आपको वो गाँव का नाम यहाँ पे लिख देना है। जैसे मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ सुल्तान, यहाँ मैं जैसे लिखता हूँ सुल्तान पूर लिख रहा हूँ मैं, उसको यहाँ पे डन करके ओके कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो मेरा जो नाम चेंज हो चुका है गांव का, तो आप इस तरीके से अपने गांव का नाम यहाँ पे लिख सकते हो। उसके नीचे देखो प्रधान पद हेतु कर्मठ एवं ईमानदार ये सब आपको रहने देना है। और यहाँ पे अगर आप साइड में यहाँ पे देखो तो मैंने फोटो लगा, तो आपको इस फोटो को सिलेक्ट करना है। ऊपर के साइड में आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा जिस पर आप क्लिक करके ओके करोगे तो यहाँ पे आपका जो फोटो डिलीट हो जाएगा। तो अभी आपको यहाँ पे प्लस के आइकन क्लिक करके यहाँ पे आपको फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन जाने के बाद यहाँ पे अपने फोटो जो भी लगाना चाहते हो आप उस फोटो को यहाँ पे ओपन करके नीचे राइट का ऑप्शन क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका फोटो आ जाएगा। अभी अपने फोटो को साइज कुछ इस तरह छोटा करना है और यहाँ पे आपको सेट कर देना है अपने जगह के हिसाब से। और आपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है आपको इस टेक्स्ट को ऊपर लाना है, उसके लिए आपको पहले इस फोटो को सेट कर लीजिए कुछ इस तरह से। सेट करने के बाद अभी आपको अपने टेक्स्ट वाली इसको सिलेक्ट करना, और यहाँ पे आपको जो पीछे साइड में शेप बना उसको भी आपको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे आपको जो है नीचे थर्ड ऑप्शन क्लिक करके यहाँ पे आपको टू फ्रंट का ऑप्शन वहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते आपको जो शेप ऊपर की साइड में आ जाएगा। अभी आपको यहाँ पे लेयर के ऑप्शन जाना, और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको जो रवि किशन नाम है ये देख सकते हो, जो नाम लिखा गया आपको इसके साइड में आपको जो यहाँ पे देखोगे लेयर पे ही एडिट का ऑप्शन वहाँ पे क्लिक करके आपको जो इस ऑप्शन क्लिक करना है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ये भी आपका टेक्स्ट ऊपर के साइड में आ जाएगा। अभी आपको ऊपर जो लेयर का ऑप्शन वहाँ पे क्लिक कर देना, आपका टेक्स्ट यहाँ पे सेट करना, और यहाँ पे आपको इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके डबल टाइप करना है। यहाँ पे जो भी लिखा गया उसको आपको कट करना, और यहाँ पे आप जो भी नाम डालना चाहते हो यानी कि अपने बैनर में जिसके फोटो लगा हुआ है आप यहाँ पे उसका नाम जो भी है आप वो नाम टाइप करके लिखो, डन करो, उसके बाद यहाँ पे ओके करोगे तो यहाँ पे आपको वो भी नाम चेंज हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पे जूम करके मैं नीचे आता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने लिखा हुआ को अपना कीमती वोट ये सब तो आपको रहने देना है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने लिखा हुआ मोबाइल नंबर, तो आपको इस मोबाइल नंबर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको डबल टाइप करना, और यहाँ पे आपको जो भी मोबाइल नंबर लिखा गया उसको आपको कट कर देना है। और यहाँ पे आप जो भी मोबाइल नंबर डालना चाहते हो वो नंबर आप यहाँ पे टाइपिंग कर लेना है। तो जैसे यहाँ पे मैंने कुछ भी नंबर टाइपिंग किया और यहाँ मैं डन करके ओके कर रहा हूँ, तो यहाँ मेरा मोबाइल नंबर भी चेंज हो चुका है। तो बस दोस्तों आपको इतना ही काम करना है, यहाँ पे आपको इतना काम करते आपका एक ग्राम प्रधान का पोस्टर बन के तैयार होगा। और हाँ, अगर आप चाहते हो यहाँ पे आपका जो बैकग्राउंड है उसका कलर चेंज करना, तो उसके लिए अभी फोर्थ ऑप्शन पर क्लिक करोगे, कलर के ऑप्शन पे आना है अभी। और आने के बाद आप यहाँ पे ग्रेडिंग का ऑप्शन क्लिक करोगे, यहाँ पे आप कोई भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हो। नहीं तो अगर आपको इसमें से कलर पसंद नहीं आ रहा है तो आप इस ग्रेडिंग के ऑप्शन क्लिक करोगे, और यहाँ पे आने के बाद आप कोई भी ग्रेडिंग कलर भी आप अपने इस बैनर में पोस्टर में दे सकते हो कुछ इस तरह से, यहाँ पे आप दे सकते हो। तो यहाँ पे आपको जो भी कलर पसंद है आप वो कलर यहाँ पे अपने जो ग्रेडिंग कलर डाल सकते हो अपने इस बैनर में। तो यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे मैंने इस कलर को सिलेक्ट किया ग्रीन वाले कलर को, ऊपर जो राइट का ऑप्शन वहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा कुछ इस तरह से पोस्टर बन चुका है। अभी आपको पोस्टर बनाने के बाद पोस्टर में एडिटिंग करने के बाद आपको यहाँ पे जो शेयर का ऑप्शन वहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखो ये डायमेंशन में डिफॉल्ट का ऑप्शन आपको सिलेक्ट मिलेगा, आपको साइड में डॉट पे क्लिक करके
अल्ट्रा का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव टू गैलरी कस्टम पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको जो भी बैनर रहेगा बना रहेगा दोस्तों, वो बैनर आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। बस आपको इतना ही काम करना है और यहाँ पे आपको जो ग्राम प्रधान का पोस्टर बन के तैयार हो जाएगा। जाइए अभी बनाइए इस तरह का पोस्टर बैनर, PLD फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसमें जो पासवर्ड लगा हुआ पासवर्ड तो आपने वीडियो में देख लिया होगा। तो चलिए वीडियो को स्टॉप करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि आने वाली हमारी जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।